हमको तुम्हारा ही आसरा है, तुम हमारे हो ही हो फिर भी तुम्हारा ही आसरा है, तुम हमारे हो ही हो हमको तुम्हारा ही आसरा है, हमको तुम्हारा ही देख भैया खुदा अंता खुदा तो सानू मिलिया नहीं है, हुण की मिलना है, हुण तो नदी किनारे रुकड़ा पता नहीं कदों नेरी आ जे है। हां जज साहब सानू मिल गए, अब असी रखांगे मौन सवा महीने का, माड़ी जी ठंड हो जाण दे, मौसम जरा ठीक हो जाण दे, ते संगत नूं कहांगे भी तू संगत की सेवा करनी है, महीने च दो सत्संग कर जा कर 15 दिन तो इत्थे ते फिर महीने वाला राय से नगर है, ठीक है जी, ठीक है ना, हाँ जी, फिर कम चलूगा, तेनू बिठाऊंगा पहरे ते, ठीक है, फीस भावे तू लख रुपया लेनी पर पहरे तेनू रखना पड़ेगा, आशीर्वाद ही दे दियो जी बहुत है। क्यों असी कोठड़ी रेंदे सी, एक तो कसुंबी दा सी ढाका ढाका, एक सी डिंग दा मदन जूरिया, मैनू आदे महाराज जी थे इयो ही बाता करो, भीतर मां तो बैठे को नहीं, मैं कभी मां तो मैं बैठ जूंगा पर पैरा तो रखो, कि मैं पैरा रखांगा, ले जी मेरे को रविदास रहन लग गया, अब रविदास चाह पींदा नहीं सी, मैं पींदा सी, रविदास की करे करे भी एक कप मैनू चाह दा बना दिया करे ते अपना अंदर बढ़ जा करे, अठ पैरों तो इन्ना इन्ना दलिया बना लिया करे, दोवें असी अपना एक कटोरी अद्धा क पानी अद्धा क दलिया पी लिया करिए, अगे महाराज जी थे मारी रोटी को नहीं जीमो, भैया साड़ी मर्जी जीवीए ना जीवीए, तुसी पैरे रखने का वायदा करे पैरे रख लो, रोटी का की कनैक्शन है, साड़ी दिल करे तो असं लवेंगे नहीं ले लेंगे, अखीर जी डाके दे घरों फोन आया, अगे तेने घर को नहीं दिखे गए, घर को नहीं संभाल लो के, अगे महाराज जी देवी लियाल दी मां दा फोन आया है, बोली घरे को नहीं आवे, मैं कहा जल्दी कर देर क्यों लाई है, दूजे दिन जी ओदा मदन दा आ गया, अगे तने कपाह को नहीं देखे बेचनी है, उरे आके बैठ गयो, अगे महाराज जी वो परमीत की मां को फोन आयो है सुरस्ती को, कवे कपास बेचनी है तो बेचा, मैं फिर डांग खिंच ली, भजे जाने बैठो तो सही हुण तुसी उत्तों उत्तों ही करता है झूठे दावे, इनू जदों बिठा लेना मैदान च उदों इहदी घंटे च म्याकनी निकल जांदी है बड़े प्रेमी दी, मेरे कोले लिया जिहड़े प्रेमी ने मैं तैनूं दिखावां, एक बंदा मैनूं आदा कि जी शमस वरेज दा चेला सी हब साहब, और बड़ा हो मतलब ऐन सुक गया, तो समित बिरे साहब नूं कहण लग्या जी मैनू दुनिया की किसक सीट विच कितने दिन लाई रखोगे, पता की जवाब मिलिया, कहिंदे खबरदार तू बोलिया क्यों, तैनू बोलण दा अधिकार ही कोई नहीं, जो मेरी मर्जी मैं तैनू रखा, दुखी रखा सुखी रखा भुखा रखा त्याय रखा, तू बोले क्यों है, ये सुता पिया रात नूं जवाकां नाल झूठे लैंदा सवेरे के महाराज जी मेरे भोजन को नहीं बने, बोलो जे किन्ना सस्ता सौदा भाले, हाँ बोल भाई, तेरे बिना ये जिंदगी सहारा हमको है बाबा।
ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂੜ ਕਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ। ਬੋਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਕਈ ਮਰੱਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਐਂ ਗਚਾ ਗਚ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲਿਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਲ ਬਾਤ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਬਾਜੂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਸੀ ਉੱਚਾ 10 ਫੁੱਟ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਵੀਕੋਲ ਚਿਪ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ, ਐਂ ਚਿਪ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਕੋ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਊ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁੱਥੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੁਧਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਖੋਵਾਂਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। 3 ਘੰਟੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੂਬ ਨੋਟ ਮੁੰਡੇ। ਤੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਬਲ, ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਸ਼ਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਚਹਿਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਨਰਕ, ਦੋਨੇ ਥਾਈ ਨਰਕ ਹੈ। ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਕਬਰ ਨਾ ਸਾਰ। ਬੈਸ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਵਹਿਪਣ ਸਕੇ ਰੋ। ਅੱਜ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਭਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 600 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਜਾਮਾ ਜੀ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਏ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਸੇ ਬੈਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਬੈਸ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਾਹੂ ਕੀ ਭਲੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੇਣ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕ ਘੋਰ ਪਵੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਕਰ, ਬਿਨ ਦਾਵੇ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਲੱਖਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਬੋਲੇ ਇਸ ਪਸਾਰੀ ਹੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਕੀਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਇਸ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਬੜੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕਰ
कर पूरा भाई टाइम फिर बहुत जज साहब जी मेरी मोहब्बत आपसे है हमको कभी ना भूला अब इस संसार अन्नी है इन कोई ज्ञान नहीं। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि भी कोई मेला लगता पिया सी पाकिस्तान पहले मेले लगते कोई दो चार मुंडे जाते सी मखौल च उन्होंने बैठ के एक ने बाथरूम करता दूजे ने मिट्टी का बुक पा के मथा टेकता तीजे ने टेकता चौथे ने टेकता पिछे कोई बुजुर्ग आते कहते काका की गल इतने मथा के टेकते हो कहते जी देवी का थान है तो सच्चे पातशाह ने फरमाया शाम तक कोठे जिहड़ा कुट लाता जिहड़ा आवे बुक मिट्टी दा सिट जे ते मथा टेक जे बोल आ जाओ पालो राम नूं किवें पाऊंगे आओ मैदान च है भाई बोल तू वकालत कागज पढ़ के करिए क्यों कर ली है हां जी दस तो सही कागज पढ़े कि नहीं पढ़े जी हां पढ़ा हूं जी बोलता क्यों नहीं कोई टैक्स तो नहीं लगता मैं तो नहीं लगता टैक्स दे रहे नहीं जी सच्ची बोल रहे हो जी बोलो आज फिर लो मिल लो रब नू अरे जिन्हू असी घड़िया असी ओनू मूर्ति बनाई असी ओनू रख के भगवान मानदे एदो घाटा होर किथे है दस है किते घाटा चल पूरा कर भाई मेरी मोहब्बत आपसे है हमको कभी न भुलाना तुम दिल तू मेरा ले लिया है ईमान सब मेरा हो तुम छोड़ना देना हमको कभी बाबा छोड़ना देना हमको कभी बाबा ऐसा कभी तुम्हारा
तेरा ही राजा। देख आसरा किन्ना कीमती है। पिछले हफ्ते जज साहब की माता ने चोला छड़िया और जज साहब ने उन्हें कहा भी मैं चल कोई दवाई बूटी करा दिया। उन्हें पता की जवाब दिता जज साहब ने, कहिंदी तू अपना डेरा संभाल अपना काम कर, मेरा शाह मस्ताना आ गया मैं चली हाँ, फिक्र ना कर। है ना कमाल दी बात है, हाँ जी। किड्डी फकर दी बात है, एक बेचारी ग्रिस्तन आश्रम च हो के और फिर उहदा खुदा उहनूं लैण वास्ते आ गया, प्रदख फैसला दे गया, क्या कहने की बात है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अज मैं एक तुहानूं गीत सुनाउण जा रहा हां जिहदे विच पूरे धर्मां दा एक संदेश जांदा है। चाहे हिंदी भाषा च बोल दो, कोई डर नहीं, सारे हिंदी वाले ना सी तो हम पंजाबी बोलते ही आगे। हाँ जी, अज देखो तुसीं साडा संसार किड्डा सोहणा। पहला सतयुग त्रेता युग द्वापर युग च जिहड़े राक्षस लोग आंदे सीगे वह संसार नूं नष्ट करदे सीगे। हुण कलयुग दे विच भी ये आतंकवादी आके हम नष्ट करदे। उहदे उत्ते एक भगत अपने सतगुरु नूं की कहिंदा है संसार बचाउण वास्ते, नफरत की आग लगी है सतगुरु इसे बुझा देना, इस जग के सारे लोगों में प्रेम की ज्योत जगा देना। नफरत की ये आग लगी है सतगुरु इसे बुझा देना, इस जग के सारे लोगों में प्रेम की ज्योत जगा देना। विधि विधान के तुम हो दाता, विधि विधान के तुम हो दाता, जग है तुम्हारे चरणों में, मेरा तन मन धन सब कुछ है अब तो तुम्हारे चरणों में। डूब रही है जग की नैया, डूब रही है मेरी नैया, सतगुरु पार लगा देना, इस जग के सारे लोगों में प्रेम की जो निर्भय हो कर सारी दुनिया, निर्भय हो कर सारी दुनिया, रंग गई खूनी रंगों में, हाँ रंग गई खूनी रंगों में, लाखों इंसान मर जाते हैं, लाखों इंसान मर जाते हैं धर्म जाति के दंगों में, हाँ धर्म जाति के दंगों में। हो शैतानों को इंसानों की, शैतानों को इंसानों की कीमत कोई बता देना। नफरत की ये आग लगी है सतगुरु इसे बुझा देना, इस जग के सारे लोगों में प्रेम की ज्योत जगा देना। बारूदों के ढेर पे बैठी है दुनिया अनजान यहाँ, ओ बारूदों के ढेर पे बैठी है दुनिया अनजान यहाँ, चांदी के चंद टुकड़े लेकर, चांदी के चंद टुकड़े लेकर बेच रहे ईमान यहाँ। ओ बेचारों और लाचारों को कोई तो राह
नफरत की ये आग लगी है सतगुरु इसे बुझा देना। इस जग के सारे लोगों में प्रेम की ज्योत जगा देना। आखिर में क्या कहता है, हे सतगुरु तेरी दुनिया में क्यों मेरा दिल ये रोता है। हे सतगुरु तेरी दुनिया में क्यों मेरा दिल ये रोता है। अपने पास बुला लो मुझको जहाँ सच्चा सौदा होता है। जहाँ सच्चा सौदा होता है। तुभ्यं नमामि नारायण तुभ्यं नमामि नारायण सतनम सतनम वाहे गुरु। अल्लाहु अकबर प्यारे नबी ओ माई गॉड ऑलमाइटी। कहते हैं जो लोग सभी हाँ गाते हैं जो लोग सभी जियो और सबको जीने दो। सारी दुनिया को रटा देना नफरत की ये आग लगी है सतगुरु इसे बुझा देना। इस जग के सारे लोगों में प्रेम की ज्योत जगा देना। धन धन सतगुरु तेरा यार। धन धन सतगुरु जी तेरा यात्रा। हाजिर नाजिर जिंदारा न्यारे राम तेरा ही आसरा। जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। जंगल में मंगल करने वाले राम तेरा ही आसरा। बेपरवाह शहंशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी तेरे प्रेम दी शामस्तारा जी तेरे प्रेम दी हपर सात हुंदी रहे। अरे वाह छोरे वाह क्या कहने की बात है। एक पल रुके शैन शाजी दिन रात हुंदी रहे। सतगुरु जी तेरे प्रेम दी शमस्तान जी तेरे प्रेम दी बरसात हुंदी रहे। एक पल रुके शैन शाजी दिन रात हुंदी रहे। शमस्तान जी तेरे प्रेम दी तेरे प्रेम दी बरसात होंदी रहे। एक पल शैन शाजी दिन रात होंदी रहे। शमस्तान तेरे प्रेम दी लुधियाने बैंक मैनेजर सी मनोहर रोड़ा बरादरी चो सहगल और वो बेपरवाह कोड़े चुंदड़ी पाके नचदा ते घरवाली बड़ी नाराज होंदी बड़ा कुछ बोलती पर उन्हें कोई परवाह नहीं की। आखिर वो रिटायरमेंट होके दिल्ली जा पड़े
दिल्ली मकान बना लिया, उन्हें उत्ते अपना एक चबारा बना लिया, थले बच्चों मतलब भी अपना रो बखाओ कमाओ मौज करो। उदा जी चाहे अठ पैर तो, जी चाहे दो दिन तो तीन दिन तो थले उतरे, बस शहनशाह की बरसात होंदी रहे। तो असी चले गए दिल्ली, मैं क्या भी असी तो दिल्ली डेरा वेख्या नहीं, तो मनोहर तू नाल चल, कहिंदा चलो जी। बग गया अगे संगत खड़ी चौखी, तो मने साहब कहन लगे मनोहर देख डेरा चंगा है। पता उन्हें की जवाब दिता, कहिंदा जी मैं तेरे डेरे नू वेखा कि शाह मस्ताना जी नू वेखा, मुड़ के कोई जवाब ही नहीं, मेरे जवाब की होना सीगा। तो वाकई है जदों बरसात होने लग गई फिर दुनिया उहदे वास्ते फना है, सब चीज फना है। अब शराबी नू पता है भी मेरे जूत पहनगे पर आपकी आदत तो नहीं टलता, पी के टेढ़ा बिंगा टुरूगा, किसी नू गाल कढ़ूगा जां कुछ करूगा, वो नहीं टलता। एवें जिवें जिहदे अंदर शब्द की धुन आ गई ना, धुना वे गगन की सो मेरा गुरदेव, जो धुन आ गई उन्होंने दुनिया नाल कोई रिश्ता नहीं, उहदा उहदा एक कामल मुरशद नाल रिश्ता। अब हरनाम का एक 22 साल का भरा चोला छड गया, असी डेली उहदी मां कोले जाया करिए। एक दिन मैं आख्या माता तेरा नौजवान लड़का 22 साल का चोला छड गया, कंधा रो पैंदियां 22 साल के लड़के ते, तेरी अखा चो आंसू नहीं देखे। आदि जी बेपरवाह की कृपा है। वह किवें सी कि वह 24 घंटे सिमरन च लगी रहिंदी सी, उहदे अंदर इन्नी पावर हो गई सिमरन की कि उहनूं कोई परवाह नहीं रही उहदी मौत की। उन्हें किया तेरा पाणा मीठा लागे, ऐ मालक जो तू करता मैनू मंजूर है, जो पावे त्यों राख ले, शरण तुम्हारी आए ओ राम। उन्हें पाणा मन लिया, सिमरन विच इन्नी पावर है। बोल लड्डू टाइम बोल। सतगुरु जी तेरे प्रेम दी, शमस्ताना जी तेरे प्रेम दी, बरसात हुंदी रहे इक पल रुके न शहनशाह जी, दिन रात हुंदी रहे शमस्ताना जी तेरे प्रेम दी। Let's go.
अब देखो हर कोई आज अगर बाला मर्दाना मिल जान मेरा ख्याल सिख साड़ी कौम कुर्बान हो जावे कि बाला मर्दाना मिल गए क्यों के गुरु नानक साहब दे नाल रहंदे रहे ना। है ना ते खुदा दे बच्चियां दे आज साडे गुरु की बोल देना के नरकां च जान गए रे भैया जे तो खुदा आले नरकां जान दे थोड़े वास्ते केड़ा दरवाजा खुला है फिर सचखंड दा मैनू दस्ता दिओ ना भी आ दरवाजा खुला है हैं किथे प्यार करना सी साडे दिलां च की है के दूई रज रज के भर गई हकार रज रज के भर गया अब लेलां दा कोई कुत्ता पालिया नहीं सी लेलां दी गली चो गुजरिया सी फिर भी मजनू ने पैर चुमे आके आए मेरी लेलां दी गली चो आया अरे जिहड़े खुदा दे बच्चे ने जदों तुसी उहनां नाल प्यार नहीं करते खुदा नाल किवें मिलोंगे अब एक तुसनूं मैं बाहरली बात दसदा कोई आदमी किसी दे बच्चे नाल प्यार ना करे और उहदे नाल लख प्यार करे उह कदे राजी नहीं होगा अगर उसके बच्चे नाल प्यार करता उन्हें चाहे रोज गाला कटता वो राजी हो जाऊगा शहनशाह ने फरमाया जो मेरे बच्चे नाल प्यार करता वो मेरा है बाकी मेरा नहीं है लांगरी ने कहा जी संगत नूं किवें खुश करिए शहनशाह ने फरमाया लांगरी संगत को खुश कर ला बोला जी संगत तो खुश होती नहीं बोले फिर सतगुरु भी खुश नहीं होता सानू संगत नाल प्यार करना नहीं आउंदा उन्हां नाल सानू प्रेम नहीं आउंदा असीं मालक कोले जावांगे केड़े वेले असीं की मूंह दिखावांगे इश्क कमांदिया मूंह पैर हटावे दोनी जहानी मूंह काला गुरु तो बेमुख होएदा तां इत्थे भी मूंह काला ते दरगाह च भी काला काला ही काला सज्जनो प्यार करो डिग्गे नूं उठाओ भुखे नूं खिलाओ रुस्से नूं मनाओ तां तां साडा इनसानी चोला पाउण दा धर्म है नहीं तां साडा धर्म नहीं असीं इनसान नहीं आंगे असीं इक राक्षस दी जूनी च आंगे प्यार ही नहीं करदे जिस तरह बात बने नहीं एक तेरे बाद शहनशाह
जमीन ते शाह के शाह बताना शाह जी शाह के शाह बताना जी से मेरी बात होती रहे एक पल रुके न शहर शाह जी दिन रात होती रहे शाम तारा जी तेरे प्रेम दी सिकंदरपुर तक गैर सत्संगी गया और बेपरवाह ने मुड़े तो उठकर उन्हें जफ्फी पाली अड़े मेरे मुर्शिद के गांव से आया है क्या कहने की बात क्या मुर्शिद प्रस्ती सी शहनशाह अच्छा अजय खैर अज लाभ भी रह गया बेचारा अज लाल चंद भी अज मसा मसा ही साढ़े हाथ आया ते चलो सुनांगे इन्हां दे भी पर थोड़ा जा जज साहब साध संगत नूं शुक्रिया करनगे दस मिनट कर देण फिर आपां बाद च सुन लांगे कोई गल ऐसी टाइम ज्यादा लै गए गलती होगी साडी हाँ लाभ बोलदा सत्संग दा बाकी अगले सत्संग ते साडा विचार है भी असी कुछ साधु होर बारों बुलावांगे जैसे भुमण शाह दे गद्दी ते बैठे होर कई साधु बुलावांगे साध संगत नूं पता लगे वी साडा तां सतगुर दे नाल प्यार है साडा किसे बंदे दे नाल नहीं उह सतगुर दे बच्चे न बैठे न साध संगत नूं निहाल करन खुश होण ऐतकी कुछ बरसला तां मेरी ऐतकी सीगी पर ऐतकी कुछ अरेंजमेंट नहीं होया सकया पूरा जल्दी फिर तां करके बुलावांगे अगली बारी जज साहब तां साडे बई मुख साधु बणगे ते सारा काम डेरा इन्हां ने सामणा असीं तां हुण इन्हां कोलों एक माफ़ी मंगांगे बई सानू सिमन करन दिओ तुसीं जाणो इत्थे ओह मुंडा बैठा सी की नाम उहदा मंगा किधर गया मंगे ओ मंगे मंगा है किथे है सुता पिया अच्छा की गल अच्छा 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 ते साथ संग संजोग देवे ठीक है अच्छा डॉक्टर नु लाया सी भी संजोग दे गए सानू रद बचाले छड़ के भज गया ओ किवें आदे हुंदे ने पंजाबी आ के चंगा हो गया नेड़े लड़ छुट गया धोखा दिता धार दे विचाले सानू विचाले चढ़ के भज गया मुड़ के सर से जाके डेरा ला लिया हुण भाई भाई अनिल नू आखदे आ भाई तू सियाणा बन जा हैं ना ठीक है जी ध्यान देंगे हां ये टाइम सजनों मिलना नहीं फिर चाहे थोड़ी मर्जी है कुछ करो नहीं आएगा जी देखो असी शहनशाह नूं पछताउंदे पए आ
ਮਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਲੋ ਜਲਮ ਗਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਕੀ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਹਵਾ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਿਆਨਕ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਲ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਲ 'ਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਝਾਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਮੰਦਰ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਛੇਕੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਰੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਸੜੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੰਨਣ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚ 'ਤੇ। ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਧਾਮ ਗਾਮ ਚੁਟਾਲਾ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਦੇ
जन्म दिन भंडारे दी पुन्या दी रखड़ी दा सत्संग है। सत्संगत 30 अगस्त बुधवार रात दा भंडारा प्रेम सर धाम गाम चुटाला उस अंदर भी सत्संगत दर्शन देन दी कृपा करन। सत्संग दी समाप्ति तो बाद जो भी साध संगत दरबार च पहुंच चुकी है सारी साध संगत ने प्रसाद लेके लंगर छके बिना कोई भी साध संगत ना जाएगी। इस साध संगत दे चरणा च बेनती है। हुण श्री रुताश जी जज साहब आप जी दे सामने बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी दे अनमोल वचन उन्हां दी महिमा उन्हां दा गुणगान साध संगत नूं सुनाउणगे। साध संगत दे चरणां च बेनती है प्रेम प्यार ध्यान नाल साध संगत ने सुनना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया बलियां दवली सचे सौदे दी गली आया बलियां दवली सचे सौदे दी गली खिल गई दिल दी कली खिल गई दिल दी कली। आया बलियां दवली सचे सौदे दी गली आया बलियां दवली सचे सौदे दी गली खिल गई दिल दी कली खिल गई दिल दी कली। आया बलियां दवली सचे सौदे दी गली दी प्रेम गली उड के मैं भी चली इस दी प्रेम गली उड के मैं भी चली खिल गई दिल दी कली खिल गई दिल दी कली। आया बलियां दवली सावन शाह दी गली जिसने कर दी समस्त जमाना जांदे जांदे रुकण एड़े दर ते झुकण ओलिए पली। Bye.
चली सचखंड दी गली मेट्रो रेल चली खिल गई दिल दी गली खिल गई दिल दी गली आया बलिया दा बली बचे खोते दी गली आया पीरा दा पीर मदाना शाह फकीर चरणा च बेनती है सत्संग जी प्रेम प्यार नाल बैठ जाओ। शहनशाह शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी जी दी साजन वाले सत्संग जी शहनशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का एक वचन है कि कहिंदे जिथे ये मस्ती नहीं वो सच्चे सौदे वाले दा सत्संग ही नहीं। ये मस्ती तुहानू किते होर नहीं मिलेगी। किसी ने कहा ये प्रेम हटना ते नहीं विकता तू पुछदा फिरे बाजार मना ये नकद भी सौदा महंगा है तू लभदा फिरे उधार मना। ये देन है शाह मस्ताना बलोचिस्तानी दी तू एवें ना होर कि टक्कर मार मना। मैं कहना तो नहीं चाहता कोई इतराज भी ना करे ये जो दरबार है शहनशाह मस्ताना जी के नाँ ते चल रहा तो चलता रहेगा। इत्थे शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी दे जिक्र तो बिना होर कोई जिक्र नहीं चल रहा। किसी ने शब्द बोलिया दिला चल उत्थे चल वसीए जिथे रहिंदे मस्ताना शाह असी मस्ताना शाह नूं लभण जावांगे सानूं किते नहीं मिलेगा जिथे मर्जी टक्कर मार लो। उन्हें कहा जे तुसी मैनूं मिलना तो मेरा साध संगत रूप है। जिवें महात्मा जी ने कहा भी असी मौन रखांगे या किवें भी एक बार शहनशाह ने कहता मैनेजर हम सख्त मौन रखेंगे सब कोई चिट्ठियां लिख दे कि कोई ना आवे महीने वाले सत्संग पर। चलो जी लिखती हैं मैनेजर साहब ने चिट्ठियां। हुण चार पांच दिन तो मस्ताना ही चुपचाप रहे फिर कहने लगे मैनेजर भाई सब कोई चिट्ठी लिख संगत के बिना हमारा दिल नहीं लगता। ये महात्मा जी कह ही रहे हैं जदों इनके दिल ना लग्या बुलाओ भाई संगत नूं अजकल तो कोई मुश्किल नहीं फोन किया चलो संगत आ जाओ भाई। संगत तो दूर रहना बहुत एक मुश्किल है कह देने असी इस तो वड्डा भजन की है सिमरन की है ते नाम की है। सब तो वड्डा ये है उसके प्यार दे विच उसके प्रेम दे विच समा बिताउणा। लखां साल उमरां बीत गईयां पुठे लटके पर उन्हां नूं सतगुरु अज तक ना मिलिया।
तो ये प्रेम की निशानी है, प्रेम की रंगत है। तो जिन्हें भी तुम आए हो इस इश्क दे महकमे तुम आए हो, कहता है ईमान सलामत, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। कहता है इश्क नहीं कोई मंगता, दुनियादारी की दौलत मंगता है, दुनियादारी के अहदे मंगता है, दुनियादारी की शान मंगता है, इश्क नू कोई नहीं मंगता, क्यों इश्क तो मस्त है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों, दिल नू लान तो होई हो। मंगदे ईमान है कि दुनिया साडा नाम उच्चा होवे, पर मुर्शद दे नां तों कतराउंदे, मुर्शद दा नां नहीं लैंदे। जिस मंजिल ते इश्क पहुंचावे ईमाने खबर ना कोई हो। आ मंजिल जिहड़ी तुसीं हुण पहुंचे हो, या रौनक लगी है या खुशी लई है, कित्थे मर्जी चले जाओ, लखां रुपए ला दो, ये चीज नहीं मिलेगी। ये आशिक, ये प्रेमी, प्रेमियो, जगह जगह का समय समय का फर्क होंदा है। इस टाइम क्यों उन्हां तो बिना ये नचा नहीं सकता कोई भी, नहीं तो जिहड़े दिग्गज महात्मा ये नच सकते हैं, उहदे प्यार दे विच, उहदे प्यार च कमले हो के सारे नच रहे ने। इत्थे इन्हां अपना आप गुरु नहीं समझे, असीं भी साध संगत शामिल हाँ। जे ना नचदे समझदे गुरु तो आप बैठे है, संगत नची जाती नहीं, असीं भी संगत च शामिल हाँ। तुहाडे नाल साडा टाइम पास हुंदा है, साडे नाल तुहाडा टाइम पास हुंदा है। तो प्रेमियों बहुत चंगी गल है, आज मस्ताना जी वाली चाल चली है। बहुत लोग कहिंदे भी सच्चे शब्द जदों जाना सब ने नचना। एक बारी ब्यास का पाठी आ गया, प्याठी आ गया, तो शहनशाह कहन लगा जी जदों सत्संग दा उन्हें सुनिया भी नचते ने कूदते ने, कोई बीबियां कितने बैठिया, आदमी कितने बैठे, रले मिले बैठे ने। कहिंदा बाबा जी तुहाडा संगत का कोई ठीक नहीं प्रोग्राम जिहा। कहिंदे क्यों भी की गल? कहिंदे कितने बीबिया ने कितने किवें ने, तो कोई नचते ने कोई कूदते ने। तो ये कर ही रहा सी गल्लां, इन्हे नूं मस्ताना जी ने इशारा किया, संगत सारी एक जट नचण लग गई, दमा दम मस्त कल अंदर के बाबा सब दे अंदर गुरु दा पहला आ ढोल वजा वजे। वह कहते बैठो बैठो बैठो, कोई ना आखे लगे। मस्ताना जी कहन लगे देख भाई हमारा कहना नहीं मानते, तेरा कहना कहां से मानेंगे। ते ये मस्ती का सरूर है प्रेमी, मस्ती का आलम है। इस तंदूर दिया रोटियां जो पकाएगा वह भी मस्त, जड़ा खाएगा वह भी मस्त, जड़ा देखेगा वह भी मस्त, मस्तो मस्ती है। कोई ऐसा मेरे वर्गा मुनकर होएगा जिदा सिर ना हिलिया होएगा, जे बैठे ये बेशक सिर जरूर हिलिया होएगा। तो इस वास्ते मैं ज्यादा ना बोलता है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, माफी चाहना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। मंच ते विराजमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी पूजन योग, ते महात्मा कृपाल सिंह जी, महात्मा फूला जी, परम पूज्य शाह मस्ताना जी लाडले, इस तरह सरदार हरमिंदर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, होर मस्ताना परम पूज्य शाह मस्ताना जी दिया चिताइयां रूहां जो भी हैं उन्होंने मेरा सजदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दे रूप दे विच सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, सब तो पहला तो मैं आप सभा ये जिहड़ा डेरे का इनागुरेशन होया है, परम पूज्य शाह मस्ताना जी के नाम का डेरा बनया है, इस संगत की सुविधा वास्ते संत बाबा गुरदयाल जी ने तकलीफा सह के बनाया है। इस दी सारी इत्थे ये धरती पुकार करती सी परम पूज्य शाह मस्ताना जी के नाम का जिक्र जकार हो रहा है सारी संगत नूं, और पूजन योग बाबा संत बाबा गुरदयाल सिंह जी नूं मेरे वालों असंख बार दिलों बधाई बधाई बधाई। इस तो पहला एडिशनल SP साहब RN शर्मा जी जिहड़ा गा के गए ने शब्द के दुनिया दे विच नफरत दी अंधी चली हुई है, कोई प्रेम दा ज्योति जगाओ,
पिछों बरसात होंदी रहे प्रेम दी, ये शब्द जिहड़े गाए गए उन्हां दे मुतालिक मेरी ये बेनती है सात संगत जी, जितने संत रूहानियत दे आए ने उन्हां नूं तत्कालीन दुनिया ने तकलीफां दित्तियां, रज के उन्हां नूं तिसिए दित्ते, पर उन्हां ने आशीर्वाद ही दिता, उन्हां दे अंदों प्रेम की वरसाई हुई, पर परम पूजन योग गुरु नानक साहब नूं लोगों ने पत्थर बरसाए, चक्कियां पिसवाइयां, पर उन्होंने हाथ इंज देख करके बसते रहो बसते रहो बसते रहो, और ईसा मसीह नूं क्रूस ते टंगा दिता। वो की बोले, ओ गॉड फोर गिव दैम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट सिन दे आर कमिटिंग। हे मालका, हे मेरे पिता, तू इन्हां नूं माफ़ कर दें, क्योंकि ये अबोध बालक हैं, ये जानते नहीं कि की पाप कर रहे हैं। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी ने अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का इश्क कमा के सब कुछ लुट के ले आए। उन्होंने उन्हों का इश्क कमाया, उन्होंने बड़े निराले ढंग से एक ढंग तो आपने दसिया है कि वह गाउन कीमती संगत ने दिता सी लिया के वह उन्होंने परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने देता। उन्होंने अगे किसी ने उन्होंने तारीफ की परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी की, तुरंत उन्होंने देता, शिकायत गई, कहने जी वो तो गाउन ही सी, जे मेरा वस चलता मेरी चमड़ी उधेड़ के वो हाथ से रख दिता। नंबर एक। दूजा ये कि एक नाई न अपने नाल रख दे, उन्हें कहने तेरा उस तरह तरास के रख, एक सैकेंड दे विच इशारे दे विच मेरी दाढ़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। मौका मिलिया, नाई नूं इशारा किया, उन्हें दाढ़ी कट के हाथ में देती, जूते साफ कर लगे परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी दे, उन्हां दे कामिल मुरसद दे। इस तरह इश्क दे वखरे चोज होंदे ने, रंग होंदे ढंग निराले होंदे ने, इस तरह का इश्क कमा के और उन्होंने अपने कामिल मुरसद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी का दिल जित के सब कुछ लुट लिया। उन्होंने दुतरफा बरसात हुई सी प्रेम की, एक तो जाहिरा तौर पर बरसात हुई सी, वर देंदे रहे तू मस्ताना जा बागड़ का बादशाह तेरे को, ये तो जाहिरा तौर पर, अंदरूनी बरसात होर हुई, हर तरह तो उन्होंने उत्ते बरसात हुई। मेरे याद आउंदी ये गल, परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने फरमाया, उन्होंने मेरे कामिल मुरसद परम पूज्य शाह रोशन साई ने फरमाया कि मेरे कामिल मुरसद मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने मुरसद नू नच के खुश किया सीगा। मेरे याद आउंदा है साढ़े एक सैलीब्रेट कर रहे सी परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे दिहाड़ा, जन्म दिहाड़ा, और मीटिंग हुई कि कोई नचेगा नहीं, नचना कूदना देखने वास्ते संगत नहीं आउंदी। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या अज दे दिन ये शाह मस्ताना जी का जन्म दिहाड़ा आप मना रहे हैं, शांति नाल चुपचाप नहीं मनाया जा सकता, उन्होंने अपने कामिल मुरसद नू नच के खुश किया सीगा, ये संगत नू बीमारी है ये फुट के रहेगी, ये जाहरा तौर पर तुसी देख लें कोई रोकण की किन्नी लख कोशिशा कर लो पर रुक नहीं सकती संगत। कहने असी रोक के दसांगे, आप मनोगे नहीं, कोई ऐसी कवाली गाई रही, गवाली गाई गई तो सारे नो अनाउंसमेंट के कर दिता कि खबरदार जो कोई उठ के नचया था, तो इस तरह करते रहे बाबा जी, भई आज की गल होगी, कोई हलचल ही नहीं, इस तरह नज़र करते रहे करते। मैं ग्रंथ पढ़ने ली स्टेज पर बाबा जी के कोल ही बैठा सी, जदों उन्होंने नज़र मेरे उत्ते आ के रुकी और नज़र नाल नज़र मिली, मैनू नहीं पता की होया, छलांग लगाई स्टेज तो नचण लग गए, सारी संगत उठ के नचण लग गई। जिन्होंने कानून बनाया सी वो छट के गुस्से च आके दौड़ के गड्डी लेके उन्होंने मनाने लिए भेजा, वो आउण ना, साडी गल किवें तोड़ दित्ती, कानून बनाया सी ये कामयाब नहीं होण दिंदे। बाबा जी ने समझाया, वो मूर्खो ओए, जिस मुरशद का साडे दा दिन मनाया जा रहा वह गूंगे बन के नहीं मनाया जा सकता, उन्हें नच के मनाया, इतने हर रोम रोम दे विच संगत दे विच खुशी की लहर दौड़ती है, इस वास्ते उन्हें काबू करोगे किवें। एक अंग्रेज ने किया, पोइट ने किया, राइटर ने, वो कहना वेयर इज लव देयर इज नो लॉ, जिथे प्रेम उथे कोई कानून जोर नहीं मार सकता। इन्हां ने गाना गाया कि नफरत की आंधी में मिटा करके प्रेम दी ज्योति जगा दो, संतां महात्मा ऋषि मुनि जिन्ने भी आए ने उन्होंने प्रेम का ही मैसेज छड्या है,
लंबी चौड़ी मैं नहीं करता, मैं कट शॉर्ट कर दे, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच तुसी मैच देखो, दोज हू डिड लव दे डिड अर्न दे डिड दोज हू लव्ड दे फाउंड द गॉड, जिन्हां ने प्रेम कमाया उन्हें मालिक नू पाया, जिन प्रेम की यो तिन ही पायो, जिन बिन प्रेम कुछ हाथ ना आयो, बिना प्रेम कुछ हाथ ना आयो। इस तरह जड़ी बाइबल कहती लव इज गॉड, गॉड इज लव, इस तरह कुरान शरीफ कहती हम दिल अल्लाह रब्बल आलमीन। वो तो सारा मैसेज यही दे के गए ने, सारे मैसेज नू कवर कर दिया है। परम पूज्य शाह मस्तरा जी ने अपने गुरु तो प्रेम का पाठ पढ़ के अपने जीवन में उसका आधार बना लिया, बेस बना लिया, उसते चले, जिसका पूरी जिंदगी का मैसेज छड़ के गए ने दुनिया के वास्ते के प्रेम रूप में गुलबहार युगों युग से दोनों जहानों का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। उन्होंने सारी जिंदगी प्रेम का ही मैसेज सारिया संगतों को दिता। ये संगत किन्ने प्यार नाल बैठी हैं, आखिर कोई तो वजह होगी कि इन्ने प्यार दे नाल बैठी हैं, आपस दे विच कलह विच नहीं बैठी हैं, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे। बहुत जिथे उहदे नाम की चर्चा उत्थे प्रेम ही प्रेम वरसेगा, प्रेम का ही वर्तावा होएगा। किन्ना प्रेम का वर्तावा हो रहा है, वो जिथे नफरत की आंधी कर पैदा करने वाले वो इन्हां चीज़ों तो महरूम ने, चाहे जाति दे बेस लड़ रहे हैं, चाहे मजहब के बेस दे विच लड़ रहे हैं, वो की कहने ने परम पूज्य मेरे काम मिल मुरसद परम पूज्य शाह रोशन साई हमेशा गुरु ग्रंथ साहब का ये श्लोक उचारते सी, ता ही शांति रहेगी। इसे वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच कहा गया कि आग लगी आकाश को जल जल पड़े अंगार, संत नाते जगत में जल मरता संसार। वो की करते ने, वो सत दा रूप होंदे ने, वो प्रेम दा अथा समुंदर होंदे ने, वो प्रेम दी ठंडी फुहार छड़दे ने। इसलिए उन्होंने पास बैठन दा संगतां दा दिल करदा है, उन्होंने दीदार करन दा दिल करदा है, उन्होंने मिकनाती सी खिचावट होंदी है उन्होंने सुनन दा दिल करदा है, और इंज लगता कि इन्हों छड़ के जाइए ही ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम 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 ही होंदा है, नफरत कुछ नहीं होंदी। परम पूज्य श्याम मस्ताना जी ने नरोल प्रेम का पाठ पढ़ाया सी, वह नफरत की आंधी नू उड़ा दिता सी हवा दे विच। वो की कहंदे सी, तुई दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। उन्होंने जेड़े लव का पाठ पढ़ाया सी, प्रेम का आलाही प्रेम का पाठ पढ़ाया, वो वास्ते एक राइटर ने कहा वेन एवर लव फॉर द मास्टर डज एंटर इन टू अवर हार्ट ते फीलिंग ऑफ अदरनेस एंड ईगो एटसेट्रा, ये सारिया दौड़ जानिया ने, खुदी भी दौड़ जाती है, ईर्ष्या द्वेष भी दौड़ जाती है, परायपन का जज्बा ही दौड़ जाता है, सब उतों उत्थे केवल और केवल नरोल प्रेम गुरु का वसदा है। वह वसाण वास्ते परम पुण्य शाह मस्ताना जी आए थे, उन्होंने रोम रोम के अपने कामिल मुरशद की मुरशद परस्ती वसे हुई सी। इसे वास्ते मुरशद परस्ती की कोई मिसाल परम पुण्य शाह मस्ताना जी के बराबर हो नहीं सकती। वह मस्ती के अथा भंडार सी, मस्ती के अथा भंडार का नाम है परम पुज्य शाह मस्ताना बलोच चिस्तानी। मोहब्बत के अलाही समुंदर लहलाते, समुंदर असीम समुंदर है परम पुण्य शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। सादगी की बेजोड़ मिसाल है परम पुण्य शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। और माताओं बहनों के प्रति इतना जबरदस्त कदरदान थे जिनका नाम है परम पुण्य शाह मस्ताना जी। क्यों मस्ताना नाम रखा था? मस्ताना कोई दुनिया नाम नहीं, दुनियावी नाम नहीं, वो रूहानियत का एक तरह से टाइटल था, जिसके कारण उनको एक तरह से परम पुण्य सावन सिंह जी महाराज जी ने उनको रूहानी टाइटल देकर उससे नवाजा था, क्योंकि उनका रोम रोम अपने कामिल मुर्शद की मस्ती से तर था एक तरह से, और नम्रता की दया की भंडार थे परम पुण्य शाह मस्ताना जी। प्राणी मात्र के प्रति उनके दिल में दया थे, सांपों को नहीं मारने देते थे, बिच्छुओं को नहीं मारने देते, गधों को बूंदी खिलाते, बैलों को बूंदी खिलाते, प्राणी आदमी तो बहुत दूर की बात है, प्राणी मात्र के प्रति दयावान थे वो। वो कुल मालिक थे, कुल मालिक केवल और केवल ओदे विच जुज हुंदा है, प्रेम दा जुज हुंदा है। इस वास्ते वो हर चीज नू देखदा है, सारे मेरे बच्चे अपने ही तो हैं, वहां कोई नफरत की आंधी नहीं चलती, वहां कोई ईर्ष्या द्वेष की आंधी नहीं चलती, वहां कोई भेदभाव का सवाल नहीं, ना जाति का, ना मजहब का, ना काले गोरे का, ना गरीबी अमीरी का, वहां तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, छोड़ो प्रेम ही प्रेम था। परम पुण्य शाह मस्ताना जी जिस तरह का प्रेम बांट करके गए, मैं साध संगत जी से विनती करता हूँ, वो जो मिसाल जना के जला के गए हैं,
वो मिसाल आने वाली रहती दुनिया तक चलती चली जानी चाहिए, वो रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। कहते हैं इश्क दा रिवाज रखी आस कांदी लाज रखी, आग अगर जलाओगे आग ठंडी पड़ गई तो खत्म होगी, इश्क दी आग साडे दिलां दे विच जल्दी रहे। और मोहब्बत की जो आंधी है, जो कहते हैं इश्क नासूर ऐसा है जो भरदा है तिरसदा है, वो नासूर हमारे दिल में अगर पैदा नहीं हुआ ना भजन बन सकता ना सेवा बन सकती। ये सारी की सारी चीजें नंबर दो पे आती हैं, पहले इसका नासूर अपने दिलों में पैदा करो। जिस मुर्शद से आप जो है शख्सियत से आप जुड़े हुए हो उसको बंदा मत समझो, जो सत का रूप है उसके ऊपर कुर्बान हो जाओ। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी ने कुर्बान होकर के सब पाया, उनके जीवन से हमें यही मैसेज मिलता है। असी जिस तरह पूजन योग बाबा जी फरमा रहे सी, असी कहने साडा सिमरन नहीं बनता, दुनिया नू असी वसा रख्या है, डेरा दुनिया ने इत्थे साडे दिलां दे विच जमा रख्या है, दुनियावी पदार्थां दी चाह ने साडे दिल नू डेरा बना रख्या है, वो मालिक दा गुरु दा सरूप साडे अंदर किस तरह आएगा। इस वास्ते जब मैं ज्यादा लंबी नहीं खिंचदा, जल्दबाजी च बोल रहा क्योंकि आप नू टाइम काफी हो चुका है, मुद्दे दी गल मैं ये कहना चाहना, साध संगत जी आप इत्थे चल के आउने हो, ये उम्मीद लेके आउने हो कि कोई अच्छी गल सुन वास्ते मिलेगी, ठीक है तो सुन के जाने हो। एक कंदर से वास्ते अपन इत्थे कट्ठे नहीं होंदे, ये परम पुण्य श्याम मस्ताना जी दा जिक्र जकार इत्थे हुंदा है, इत्थे जो कुछ भी मिलता है उसनू ग्रहण करके जाइए। जो मर्यादा परम पुण्य श्याम मस्ताना जी ने सिखाई है उस मर्यादा दे अंदर असी अपने आप नू चलाने की कोशिश करिए, उस दे विच रखण की कोशिश करिए। अगर असी मर्यादा पालन नहीं कर सकते तुसी मन के चलो असी सिख की श्रेणी विच आउंदे ही नहीं, असी सेवक की श्रेणी विच आउंदे ही नहीं, असी अफसाने गावांगे। अपने आप नू सेवक समझ लिए, दुनिया कह दे सेवक है पर असी हाँ नहीं, क्योंकि जो सेवक बन गया उदा अंग बदलना चाहिए। जिस तरह गुरु का अंग है इस तरह साडा अंग बदलना चाहिए है, जिस तरह गुरु के संस्कार है उस तरह साडे संस्कार साडे अंदर आने चाहिए ने, जिस तरह उदी सोच है उस तरह साडी सोच बढ़नी चाहिए। पर साडी हालत की है, मेरे कामिल मुर्शद फरमाउंदे सी कि डिग्गी दे विच या तालाब दे विच या नदी दे विच कंकर सुट दिओ, वो कंकर नू हजार साल दे बाद कड्डो अंदरों फड़ो सुक्का दा सुक्का, साडी हालत वो है। असी कुछ ग्रहण करन दे आदि नहीं है, करना नहीं चाहते। दूजा है सानू होना कैसा चाहिए, पतासे नू थोड़े जे पानी विच सुट्टो थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। असी गुरु दे विच समाहित होकर के डुब के अपने आप नू खत्म करना है, अपना वजूद भुलना, असी अपना वजूद भुलना नहीं चाहते। सब तो पहली गल जो बेसिक रिक्वायरमेंट साडे तो गुरु मंगदा है वो ये है, असी खाली होके जाइए। रोहतास अगर रोहतास ही बनिया रहांगा ते मिलेगा की ना, अपने आप नू खत्म करके गुरु ते कुर्बान हो जो कुछ भी ना बचे। राजा जनक ने अपना आपा भाव नष्ट करके पाया, भाई लहना जी ने अपना आपा भाव नष्ट करके पाया, गुरु रामदास जी ने अपना आपा भाव नष्ट करके जेठे ने सब कुछ पाया। जिस संत सतगुरु दे असी लड़ लगे हैं, जद तक असी अपनी हस्ती नू माइनस करके अपने खत्म करके कि मैं कुछ नहीं जो कुछ भी है मेरा गुरु है, उदों तक सानू कुछ हासिल नहीं होना। किसी ने माड़ा मोटा कह दिता असी एकदम बाहां चढ़ा लेने कि ना, इसे गल का एग्जाम्पल मेरे कामिल मुर्शद परम पुण्य शाह रोशन साई देंदे सी बलक बुखारे का। कबीर साहब ने कहा 6 साल बाद लोई जी ने कहा कि इनू कुछ दो, बहुत अच्छा अच्छे सुभाव का, जो कहने कर लेंदा है, जो देने खा लेंदे, जो पहनांदे पहन लेंदा, जिथे बिठाने बैठ जाता है। कहने नहीं हले भांडा साफ नहीं, उन्हें क्या कचरा देख पा के देख, कचरा पा के देखा वो कहंदा जो मैं जो होता बल्क वखारा करता सोई करता, की करें मैं मजबूरी फसया। कहना मैं जो क्या सी भांडा साफ नहीं है, उसके बाद 6 साल होर टपाए, कहने हुण भांडा साफ हो गया, हुण नामदान पाण दे काबिल हो गया। लोई जी कहन लगे पहले वर गए लगदा नहीं, पहले तू कचरा पाया सी, हुण तू गंदगी पा टट्टी पसाब पाया टट्टी पसाब। कहने भला हो तेरा पाउन वालिया, मेरे 12 साल गुजर गए मेरे ते गुरु की कृपा नहीं हुई, तो उसते कृपा कर दिती। असी अपने आप नू माइनस नहीं करते। एक स्कॉलर गया सीगा वह गुरु कोल के मैनू अपनी सरण दे विच लै और जन्म मरण की फाही नू कट्टन दा कोई तरीका दस।
कि तू है कौन, मैं बड़ा स्कॉलर, मैनू नहीं जानते कि मैं तो नहीं जानता, मैं बड़ा स्कॉलर, मैं ग्रंथा दे ग्रंथ लिख दिते। कहना तू जरा तेरे को ज्ञान है ओनू थोड़ा संक्षिप्त करके लिया हजारा पेज, कह बहुत बड़ा कह छोटा कर, फिर होर समेटिया, कहना होर छोटा कर, होर समेटिया, करते तो 10 पेज, फिर खाली कागज लेके आया, कहना अब तू मेरा सेवक बनने के लायक। साध संगत जी, असी अपने आप न जेड़े भी साडे विचार हैं इन्हों जब तक बरकरार रखांगे होर चीज़ उत्तों पै नहीं सकती। गुरु का प्यार पाउन लई सानू अपने आप दे विचार पहले वाले काम क्रोध लोभ अहंकार या जो भी चीज़ है इनू कढ़ के खाली होके फिर गुरु की शरण दे विच जाना चाहिए, और जो कुछ भी मिल रहा है उसनू संजो कर उहदे अनुसार ढलन की कोशिश करनी चाहिए, गुरु का रंग अपने उपर लेना चाहिए, ता जो साडे अंदर इस तरह का प्यार पैदा हो जाए जिस तरह छोटा बच्चा है वह माँ के प्यार लिए तड़फदा है, जब तड़फदा है माँ के फोटो के अलावा दूसरा फोटो दे अखा और दिल दिमाग च आ ही नहीं सकता, क्योंकि माँ की छाती भी एकदम जोश मार लगती दौड़ के उन्होंने सीने नाल ला दी। जे असी गुरु का प्यार इस कदर दिल दे विच वसावांगे और बच्चा बन के सरेंडर कर देंगे गुरु के लोटस फीट के उत्ते चरण कमलों के विच सरेंडर कर देंगे तो उसका नतीजा की होएगा, गुरु दौड़ के सीने नाल ला देगा, जस्ट लाइक ए मदर वो सीने नाल ला देगा। पर साडा यह स्वभाव बनना जरूरी है। हुण भी इत्थे आ के रही किन्ने सैकड़ों लोग बैठे ने, पर कई हले भी इतने आन के बैठे ने, उसके बावजूद विचार कितने पिछे होंगे। परम पुनी शाह रोशन साईं ने हजार लोग बैठे से उन्होंने कहा तुम आए बड़ी दूर तो हो पर मेरे को नहीं आए, तुम आए प्रेम तो पर मेरे नाल प्यार नहीं करते, बहुत गहरे अर्थ हैं, बहुत ही गहरे अर्थ हैं, वास्ते में उहदे कोल आना उहदे नाल दिली जुड़ाव करना ता गुरु दे कोल आना मन्या जांदा है। तो असी आदमी उत्थे हुंदा जिथे उहदे ख्याल हुंदे ने, शरीर तो नहीं हुंदा, शरीर तो साडा इत्थे है पर ख्याल के साडे पिछे होण ते हाजरी नहीं लगदी। साध संगत जी, मैं ज़्यादा टाइम आप जी का नहीं लेना चाहता, सानू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल का अगले का पता नहीं कि साढ़े हाथ च होएगी जिंदगी या नहीं, ये सांसा की पूंजी साड़ी खर्च हो जा रही है। परम पुनी श्याम मस्ताना जी दुहाई दे के कहने ने कि दो गल्लां हर वक्त याद रखो कि मौत साढ़े वल भजी आ रही है और असी मौत वल दौड़े जा रहे हैं, दूजा है जो कुछ भी असी करी जाने साड़ी जवाबदेही है, जवाबदेही है। मता ही इस भ्रम दे विच रहो कि मैनूं तो पूरा गुरु मिल गया, इस वास्ते मालिक नूं याद करनी लोड़ नहीं, ना जेड़े वेले भुलांगे उसे वेले काल छापा मार सकता है। इस वास्ते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाते धोते सोते जागते इवन टॉयलेट विच भी बैठे और इवन कम हथकार वल चितियार वल सदा उसनूं याद रखो, कोई वेला उस तो खाली ना होवे, तां जा करके सतगुरु लाज रखता है। साध संगत जी, आप जी के दर्शन करके मैनू ऐ लगता मेरे कामिल मुर्शद के दीदार सारे दे विच हो रहे हैं। मैं सारी संगत के दर्शन कराउन लई और आप दे दर्शन देन लई मैं आप दा सब दा और संत बाबा गुरदयाल सिंह जी दा दिल दियां असीम गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सारे परम पुन्य श्याम मस्ताना जी दे लाडले ने, मैं तो इन्हां दे सामने बच्चा इन्हां दे सामने बोलना भी नहीं चाहिए दा, क्योंकि मेरे कामल मुर्शद वो इन्हां दे गुरु भाई सी, इस वास्ते इन्हां दे सामने मैं बोलना ही नहीं चाहिए, पर इन्हां दा आदेश सी टुट्टे फुट्टे लफ्जां दे विच आप जी नूं कोई अर्ज की गई है। इस संबोधन दे विच मेरे तो हजारों गलतियां होईयां होणगियां, संगत हमेशा गुरु दा रूप मनी गई है, मैनूं अपना बालक समझ करके माफ करन दी कृपालता करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।
प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, जन्मदिन शाह मस्ताना जी दा आ गया, अनामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, जन्मदिन आ गया, अनामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया। खुशियां दे मिठे राग जी पांदे ने धमाला वजन खुशियां दे साज जी, खुशियां दे साज जी, हर प्रेमी बोले खुशियां दे मिठे राग जी पांदे ने धमाला वजन खुशियां दे राज जी, खुशियां दे साज जी, उड़ीक देती जितनू ओ सोना दिन आ गया, उड़ीक देती जितनू सोना दिन आ गया, नामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया, शामत तन दा जन्मदिन आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, जन्मदिन शामत तन जी दा आ गया। खुशियां दा नूर सारी दुनिया च छा गया, खुशियां दा नूर सारी दुनिया च छा गया, अनामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया, अनामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, जन्मदिन शाह मस्ताना जी दा आ गया, अनामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया। मस्ती दे पिलान ले आ गया, लेके प्याले मस्ती दे पिलान ले आ गया, जन्म दे दिशा मस्ताना जी दया गया, अनामी वाले चन्न दा जन्म दिन आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, जन्म दे दिशा मस्ताना जी दया नामी वाले चन्न दा जन्मदिन आ गया। दुनिया ते आ गया दुनिया दा वाली, शर्मावे सूरज वेख के लाली, आ गया दुनिया दवाली, शर्मावे तू
जन्म दिन आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया, प्यार दे मोती प्यारे प्यारे लेके आ गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। अच्छा वैसे तो हाँ थोड़ा जा मास्टर हूँ दो। प्यारी साध संगत जी, असी बड़े वडभागी हाँ गुरु साहबाना दी शरण विच आके सतसंग विच बैठ के आनंद माण रहे हाँ। सतसंग दा मतलब ही यही है सच दे नाल जुड़ना। सो असी अपने आप नूं बड़े वडभागी समझते हाँ गुरुआं दी शरण विच आके सच दा संग करन वास्ते आए हाँ, अपना जीवन सफल बनाउण वास्ते आए हाँ। शाह मस्ताना जी भी कहा करते सन कि सच दे नाल जो अपने दिलों हरदे जोड़ लैंदा है वो अपने जीवन नूं सफल बना लैंदा है। असी जितना ही ज़्यादा उन्हां दा सिमरन करांगे, उन्हां दी भगती भावना ते चलांगे, सो एक भजन आप दी शरण विच बाबा साहब दी मंजूरी लैके कि शाह मस्ताना जी ने इंसान नूं कहा, हे इंसान तू भजन बंदगी कर क्योंकि तू ते मिट्टी दा बावा है, मिट्टी चों जन्म लिया है मिट्टी च ही मिल जाना है, इस वास्ते जो जीवन तेनू मिलया है उसनों तू भजन बंदगी करके सफल बनाना है। सो गीत है, मैं मिट्टी दा बावा साई तू ही पलणहार है, मैं ते हां एक पुलणहार तू ता बख्शनहार है, दया तेरी न
नाल होवे दाता, दया तेरी नाल होवे दाता। भव जल सागर पार है तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार है, एक तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार है। मैं हाँ पानी दा बुला बुला, तू ही जीवन हार है। मैं हाँ पानी दा बुला बुला, तू ही जीवन हार है। गागर विच सागर पर देवे देवे दर्शन दीदार है। अनोखी है लीला तेरी, अनोखी है लीला तेरी, वंडद सपनू प्यार है। तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार शाजी, तू ही निरंकार है। क्षण पंगूर है जिंदगी, तू जीवन दा आधार है। क्षण पंगूर है जिंदगी, तू जीवन दा आधार है। कण कण विच है वासा तेरा, तेरा रूप अपार है। बुझिया जो तां रोशन कर दे, बुझिया जो तां रोशन कर दे, किया रोशन संसार है। तू ही निरंकार शाजी, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार है। क्षण पंगूर है जिंदगी, तू जीवन दा आधार है। दीन दुखी ते दया है करदा, करदा बेशुमार है। दीन दुखी ते दया है करदा, करदा बेशुमार है। मोह माया तो देवे मुक्ति, मोह माया तो देवे मुक्ति, तू मुक्ति दा द्वार है। तू ही निरंकार शाजी, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार बाबा, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है। धन धन सतगुरु तेरा। हाँ जी, मास्टर जी ने बड़े प्यार नाल इत्थे ढाणियां जिहड़ी अपने आणियां इत्थे रहिंदे न, आ जमीन भी अपने नाल ही, ते बड़े प्यार नाल साध संगत सुनाया, ते सानू अगे भी इह नियाल करदे रहणगे। होर संगत भी प्रेरणा करके दरबार बधाउण दी कोशिश इन्हां दी हैगी भी जिन्ना दरबार उच्चा वध जावे उन्ना ठीक है जी। ते दो मिनट मैं संगत कोल मंगदा भई, दो मिनट सिर्फ साढ़े पाशी राम जी एक बेपरवाह का बचन पढ़ाना, मैं उहदे बाद प्रसाद वंडांगे भई, जिथे ना चार घंटे हो गए बैठण, दो मिनट होर चलो थोड़ा सा टाइम। हाँ बोल पाशी राम जी। हाँ बोल जी। दान दान सतगुरु जी, हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम, तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम, तेरा ही आसरा, जंगल में मंगल करने वाले राम, तेरा ही आसरा, बेपरवाह शहनशाहों के शहनशाह, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी, तेरा ही आसरा। सारी साध संगत की बेनती कि पांच सात मिनट वास्ते शाह मस्ताना जी नारे लावांगे,
सारे प्रेम नाल बोलो, ताड़ी बजा के बोलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 धन धन सतगुरु तेरा ही ताना जी ऐनक वाले श्याम मस्ताना
जी मूड़े वाले शामस ताना जी मूड़े वाले शामस ताना जी दीप वाले शामस ताना जी दीप वाले शामस ताना जी कोकड़े वाले शामस ताना जी कोकड़े वाले शामस ताना जी नाम जपावन शामस ताना जी नाम जपावन शामस ताना जी निंद्र भगावन शामस ताना जी निंद्र भगावन शामस ताना जी सचखंड दिखावन शामस ताना जी सचखंड दिखावन शामस ताना जी सत्संग विच ल्यावन शामस ताना जी सत्संग विच ल्यावन शामस ताना जी आ गए जी आ गए शामस ताना जी आ गए जी आ गए बलोचिस्ताने जी दर्शन कर लो शामस ताना जी दे दर्शन कर लो शामस ताना जी दे जोलिया भर लो शामस ताना जी तो जोलिया भर लो शामस ताना जी तो दुखड़े भी कटन शामस ताना जी दुखड़े भी कटन शामस ताना जी आ गए जी आ गए शामस ताना जी आ गए जी आ गए शामस ताना जी दर्शन कर लो शामस ताना जी दे दर्शन कर लो शामस ताना जी दे जोलिया भर लो शामस ताना जी तो जोलिया भर लो शामस ताना जी तो दुखड़े भी कटन शामस ताना जी दुखड़े भी कटन शामस ताना जी प्रेम बतावन शामस ताना जी प्रेम बतावन शामस ताना जी कातु छुड़ावन शामस ताना जी कातु छुड़ावन शामस ताना जी चुरासी भी कटन शामस ताना जी चुरासी भी कटन शामस ताना जी असी साडे सतगुर का नाम उच्चा करना सानू किसे जो भी पिछले भी संत आए नो वो अपने टाइम ते अपना काम करके चले गए साडे वास्ते वो पूजन योग न है जी ते उन्हां दा जिहड़ा समां सी वो अपना करके जो बेपरवाह दा समां सी वो अपना करके अज असी उन्हां दे गुणगान करते हाँ ते सानू इस वास्ते कि साडी जिहड़ी साध संगत दा दिल खुश करना असी किसी दा नाराज नहीं करना कि भी सतगुर दे नाम दा कुछ लैके जाओ। देखो बाबे ने नारा चलाया धन सतगुरु कोई मजहब नहीं हैगा गुरबाणी च तुसी हजार दफा आउंदा है धन गुरु धन गुरु धन गुरु तू शहनशाह ने कहा पुत्र धन है तू सतगुर तेरे ही दिता असी खाने तेरे ही सानू आसरा है तेरे सिर ते असी जींदे हाँ बिल्कुल ठीक है आप नज़र माड़ी जी पुठी हो जाए तो बखाक दी ढेरी हाँ पल्ले कुछ नहीं। हाँ जी बोल बेटा जल्दी कर लो ये देख तू हूँ चार घंटे हो गए सात संगत किहदे नाल सतगुर दे प्रेम पिछे बैठी है वरना इन्ना बैठना बहुत मुश्किल है बैठ नहीं सकते इन्ना टाइम नहीं दे सकते फिर गर्मी का मौसम है। हाँ बोल भाई जल्दी कर करो जी करो। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा शहनशाह के शहनशाह बेपरवाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा Thank you.
देखो परम संत खुदा दे रूप चाहे जितने भी आए दस पाशाही आईया मुसलमान फकीर आए कबीर साहब आए सब मतलब पूर्ण संत आए न ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐस कलजुग घोर दे विच शहनशाह ऐसी ताकत आई जिन्हें अनोखी बात मेरा दिलदार करता सी अनोखा काम करके दिखाया। किसी फकीर ने आज तो 4000 साल हो गए बेपरवाह ताकत ने सोन वंडिया चांदी वंडी नोट वंडे खोतिया नूं बूंदियां खवाईया किसी ने खवाईया है मकान बनाए गराए अनोखी बात दिलदार करके गया अनोखी ताकत आई। वाकई ना ऐसी ताकत आनी है ते ना आई है, है जी हाँ। तो क्या कहने की बात है बेपरवाह ताकत ने देखो किसे अगे बई बोलते सी बई सी आई डी दे अफसर है संगत नूं टाइम तो बहुत हो गया तो सी आई डी दे अफसर आए शहनशाह ने स्टेज ते बिठा ले बोले भाई मक्खन से आज हमने 3000 रुपया लिया पूछो मक्खन से सच्चे पातशाह दा चताया सी। मक्खन उठ के बोलिया हजूर ना मैं दिता ना मैं दे सकदा मैं हजूर दा दिता खाना। शहनशाह ने फरमाया कोई आदमी बोले मैं 1 रुपया दिया उसको 1,00,000 रुपया नाम देते हैं। सत्संग तो बाद बेपरवाह ने फिर कोडी खड़ाई उन्होंने सोने दे डालर दिते फिर ढोले हो रहा तो ढोल बजवाया भंगड़ा पाया उन्होंने एडे एडे टुकड़े चांदी दे दिते वो देखते दे रहे सारा उसको देख दुख के चले गए। अखीर ते अपने सत्संग च फरमा गए कि 12 साल गौरमेंट की आंखों में छाले पड़ गए कि मस्ताना अज पकड़िया कल पकड़िया मगर वो पकड़ कौन पकड़ सके सच नू कौन फड़दा है झूठ फड़िया गया ना झूठ फड़िया गया सच नहीं फड़िया जांदा झूठ सच जिहड़ा हैगा वो एक बहुत वड्डी पावर है। बेपरवाह ने अपने दाता दे नां ते 12 साल बेपरवाह दे कोई कमी छड्डी नहीं उन्होंने जीवां नू पढ़ाउण दी प्यार करन दी प्रेम करन दी हर एक चीज दी। मगर साडी जिहड़ी हैगी कि भी बदकिस्मती असी उस मंजिल नू पा नहीं सके बहुत कुछ दिता उन्होंने और ऐसी ताकत वाकई अज असी ढूंढीए लभनी मुश्किल है बहुत मुश्किल है। बड़े फकीर आए पर ऐसा खेल नहीं करे किसी ने बेपरवाह जैसे अज भी ओदे नां ते बेपरवाह दे नां ते कोई कमी नहीं किसी चीज की। आ मास्टर नूं पुछ लो असीं तां इत्थे जंगल जाके बैठे सी पहले तो ठंड मर गए फिर गर्मी मर गए ये रोज आउंदा सी बेचारा पहले तो ठंड बड़ी सी फिर गर्मी बड़ी सी पर वो गल है भी देखी ना अनाहत रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद दाना गोल गोल जार होता है खाख में मिल जाने के बाद कहिंदे मेहंदी रगड़ांगे तो रंग लियाऊगी लाल सुरख निकलती है ते दाने नू खाख मिट्टी च रलावांगे तो बहार लिया एक दे कई दाने मर जाते ये तो बई फिर आ कम करना ही पैदा जे आखे यार मैं तो गर्मी मर गया मैं सर्दी मर गया फिर तो पकले गर्मी सर्दी रह जूगी फिर सतगुर तो आता नहीं। वो कहता पुत्र तुसी साध संगत वास्ते अपनी जान कुर्बान कर दो तां भी थोड़ी है समझ गए प्यार तो कोई नहीं लठते पे नहीं इन्हां दी किस्मत है नहीं किस्मत बिना बात किवें बनूगी ना पर पूरा फिर समा तू सोना चांदी कांटा दाता खोल के गैबी खजाने तेरी तू मची सारे जग में तेरी लीला को कोई न जाने साथी है तू सब आए हैं मस्ताना शाह
मेरे वर्ग पहले वाले टुकटेर बैठे सी वह बेचारा बहर बह गया तो वह गुरु साहब कहन भी सारी संगत कहो भी बुद्धू का आवा पक जे तो सारे कहने बुद्धू का आवा पक जे हौली कि ने कह दे कि बुद्धू का आवा कच्चा हौली कि ने कह दे जो तीजी बार क्या गुरु साहब न सुन गया वह कहते भी सजनों आवा तो तेरा कच्चा ही रहूगा पर पक्या के भावक जो वह मीह पै गया फिर पक्या के भाव बिक गया ते वो है आशकां दी निशानी आवो जिहड़े टुकटेर बैठे सी उन्हां दे आखे तां बुद्ध दावा नहीं पक्या ना उन्हें एक ने कहा बाहर बैठा सी बेचारा वो क्योंकि उहदी दिल गुरु गोबिंद सिंह नाल आत्मा जुड़ी हुई सी उहदा ते गुरु गोबिंद सिंह दा इक रूप सी ते वो बेचारा कुछ कह नहीं सकया फिर वो हौली कहिंदे ने बाहर बैठा कहदा करे बुद्ध दावा कच्चा वो कच्चा ही कच्चा ही रह गया वाकई तेरे आशकां ने आ हर रोज हर वेले हर मुख में हो तेरी राती शाह मस्ताना जी तेरी याद में तेरे आशिकों की कटती है राती पव सागर से तारों थोड़ी जिंदगानी सतगुरु जी तेरा ही आसरा शहनशाह के शहनशाह बेपरवाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा दन दन सतगुरु तेरा ही आसरा लंगर तैयार है जी सारी साध संगत के चरणों च बेनती है जो भी साध संगत नूं प्रसाद नहीं मिलिया वो प्रसाद ले सकते हैं।